हाय फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी अगर आपको इंडिफरेंस दिखाना हो, यानी कि ये दिखाना हो कि किसी ने कुछ कहा और आप बता रहे हैं, अरे मैं कौन परवाह करता है यार, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, कोई कुछ भी बोले, जब हमको इस तरह से बोलना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मेरी बला से चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरीके से बोल रहा हो, तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम दिन रात की बोलचाल में बोलते हैं इसको, ये डेली कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा हो सकता है, इस प्रकार के सेंटेंसेज हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों, वही आज का टॉपिक है, ये कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का टॉपिक है हमारा, और उसमें आज का जो मेन टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसी बात में, ये दिखाते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई परवाह नहीं है, तो वही आज हम सीखेंगे कि हम कैसे कैसे इस बात को कह सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक एग्जांपल्स लिखे मैंने, जैसे सबसे पहला तो यही है, आई डोंट केयर। किसी ने कुछ कहा आपसे, कोई बता रहे कि अरे वे तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, आप कह रहे यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई डोंट केयर, तो आप ये बोल सकते आई डोंट केयर। नहीं तो आप बोल सकते आई डोंट गिव अ डैम, अरे यार मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, आई डोंट गिव अ डैम, तो ये बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते दोस्तों, वेल इट डजेंट मैटर टू मी, अरे मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर टू मी, तो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, इट डजेंट मैटर टू मी। नहीं तो बोल सकते दोस्तों, मेक्स नो डिफरेंस टू मी, वेल मुझे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीनिंग दोस्तों सबका वही है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो कहा जा रहा है मेक्स नो डिफरेंस टू मी, यानी मेरी लाइफ में इस बात से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, कोई कहीं भी जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तो बोल सकते ओ लाइक आई गिव अ डैम, जैसे कि मैं, मुझे तो बहुत परवाह है जैसे कि मुझे तो वो दोस्तों सेम मीनिंग का दूसरा एग्जाम्पल है, एज इफ आई केयर, जैसे मुझे तो बहुत परवाह है, जैसे यहाँ मीनिंग है मेक्स नो डिफरेंस टू मी, लाइक आई गिव अ डैम, जैसे कि मैं तो बहुत परवाह करता हूँ, और एज इफ आई केयर, जैसे कि मुझे बड़ी परवाह है। तो जब भी आपको ये दिखाना हो कि आप बिल्कुल परवाह नहीं करते किसी बात की, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं, नहीं ये सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। और दोस्तों, एक एग्जांपल और है, वेल रियली डजंट मैटर टू मी, आप किसी को बता रहे यार सचमुच यार मुझे इस बात से कोई सचमुच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मामूली बात है, या मुझे इस बात से कोई सरोकार ही नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, कुछ एक और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ये तो एक सिंगल वर्ड है, जैसे आपने देखा ही होगा लोग बोलते हैं, फिल्मों में भी देखा आपने, व्हाटएवर तो लोग थोड़ा रुखाई से रूडली बोलते हैं, व्हाटएवर ठीक है जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाटएवर, तो ये भी आप बोल सकते हैं। नहीं तो बोल सकते इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं तो आप बोल सकते आई गेस सो, हाँ ठीक है यार मुझे ऐसा लगता है, ठीक है होगा ऐसा, आई गेस सो, ये भी बोल सकते हैं आप। नहीं तो जैसे वॉट एवर बोला था वैसे बोलते हैं विच एवर, जो कोई भी, जो कुछ भी, विच एवर, ये भी बोला जा सकता है। नहीं तो जैसे किसी को हम बोलते हैं, किसी सामने वाले की बात से अगर हम नहीं इतफाक रखते, मतलब उसकी हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो बोलते ओ अप टू यू, अब भाई अब तुम्हारे ऊपर है, तुम देख लो तुम क्या करना है, भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो, ये अप टू यू, या बोलते वॉट एवर यू प्रिफर, जैसा तुमको ठीक लगे यार वैसा कर लो, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आपका मूड खराब है या जो भी है, आप उसकी बात में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वॉट एवर यू प्रिफर, हिंदी में भी हम बोलते हैं भाई जैसा तुमको ठीक लगे, तो वॉट एवर यू प्रिफर, कि तुम जो भी प्रिफर करो, या फिर वही है दोस्तों मेक्स मी नो डिफरेंस, जैसे यहाँ लिखा था हमने मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इसी बात को ऐसे कहा जा सकता है मेक्स मी नो डिफरेंस, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये सारे सेंटेंसेस बहुत ही काम के हमारे डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस हैं, इनमें से अगर आप चार पांच भी याद कर लें तो आपकी इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, आप लोगों से बातचीत करते हुए रहेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के नाम से, उसमें इस तरह के और भी टॉपिक्स मैंने बताए हुए हैं जो आपको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मैं एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताऊंगा, और हम मिल करके इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश लिखना सीखेंगे, और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।